दिल्ली पुलिस 2019, अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ, और जिसके जरिए अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप शायद उस कटऑफ को क्लियर कर पा सकेंगे। आपको जितने रिक्वायर्ड मार्क्स होंगे, मतलब जितने आवश्यक मार्क्स होंगे उतना आप ला सकेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किसी हिंदी पे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि दिल्ली पुलिस 2019 के बारे में, कटऑफ के बारे में, ठीक है। आपको कितने मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वर्दी मिलना बहुत मुश्किल हो गई। 2019 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 80% मार्क्स आपको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार 75 प्लस कट ऑफ गई थी, यानी 80 से 75 के बीच के मतलब कट ऑफ गई थी, जबकि यहाँ पे बेसिकली तीन रीजन है, ठीक है। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा, अभी से लग जाओ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ जाएगी वो सोच से भी पार जाने वाली है। अगर आप हमारे चैनल केजीटी हिंदी पे नहीं हो तो प्लीज केजीटी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, जब तक ये दिल्ली पुलिस की आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको सारे वीडियो के अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। फटाफट मैं वीडियो को खत्म करता हूँ और लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ। तीन रीजन मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक है। तीन रीजन मैं बताऊंगा, अगर वो रीजन आपने अगर ढंग से सुन लिए तो आप बोल रहे हो आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। पहला रीजन तो क्या है, ठीक है, आपको पता होगा कि पहला रीजन अगर दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो यहाँ पे इनमें पहला रीजन यही है कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बावजूद भी देखो आप यहाँ पे 70-80% यहाँ पे कट ऑफ जा रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि पिछली बार की बात करूँ, अब की बात नहीं, अगर अब की बार तो 85 प्लस श्योर है, चाहे वो कौन सी कैटेगरी का हो, अब कैसे जाएगी, उसका रीजन क्या है, ठीक है। पहला रीजन तो ये मैंने बता दिया कि जो कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अब की बार जो दिल्ली पुलिस करने वाला है, ठीक है, जो आपका पीटी होगा वो पीटी होगा एग्जाम के बाद, मतलब जो सीबीटी 1 लगेगा, आपका एग्जाम लगेगा, जैसे ऑनलाइन लगता है, ऑफलाइन लगता है, जैसे भी पेपर लेगा, उसका पहले पेपर होगा और बाद में फिजिकल होगा। इसमें क्या होता है कि जो पीटी है ना, फिजिकल पहले किया जाता था और बाद में पेपर होता था, इसके कारण आपकी कट ऑफ यही रह पाती थी। लेकिन अब की बार ये कट ऑफ है ना, मुझे लग रहा है 90 प्लस से ऊपर ही जाएगी, लेकिन 85 तो बहुत कम बता दी मैंने, चाहे वो कोई सी कैटेगरी का वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पेपर भी आता, पेपर भी बहुत आसान आता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना वो इजीली यहाँ पे 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ दूसरा रीजन आपको बता दिया है। और जबकि यहाँ पे फिजिकल की बात करूँ, दिल्ली पुलिस का फिजिकल है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा हार्ड है, आपको पता होगा इस चीज का। और तीसरा रीजन ये है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और बेसिकली रीजन क्या है, अगर आपने मान लो अच्छी तरह मेहनत की, आपने लगातार 6 महीने तक कंटिन्यू मेहनत कर दी, ठीक है, आप आराम से 85 प्लस मार्क्स लाते थे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने जस्ट कट ऑफ पार कर ली ना, अगर जस्ट कट ऑफ पार कर ली, अगर पीटी बाद में होता है एग्जाम के, तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन स्कोर कैसे हो सकता है। 85 प्लस अगर आपने मार्क्स लिए है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिए, तो फिर क्या होगा कि जो पीटी कट ऑफ गई थी ना, जो पीटी कट ऑफ जाने वाली, उसी के वही बोल रहा हूँ, वही कट ऑफ जाएगी, वही कट ऑफ जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 80 प्लस या 19 मार्क्स लाएंगे, उन स्टूडेंट्स से वो फिजिकल होगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है। आपको शायद पता होगा कि आर्मी लेवल का फिजिकल होता है दिल्ली पुलिस का, तो वो फिजिकल किसी से होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको बस कट ऑफ पार करनी है, एक बार एग्जाम जैसे देंगे तो आपको यहाँ पे कट ऑफ पार करनी है, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको सारी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। केजीटी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। आपने हमें किमिस्ट्री दे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।